Hello students, myself Shashank, your GS educator from My Parchala Defense. I have a great news for you. FCAT 02 2023 examination notification has been published. क्या है इस नोटिफिकेशन में, इसको आज हम लोग जान लेते हैं. आपका FCAT, एयरफोर्स FCAT का सेकेंड वाला पेपर, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें बताया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो शुरू होगा फर्स्ट ऑफ जून से और लास्ट डेट जो है वो है 30th June 2023. और सबसे खास बात ये है कि ये शाम 5 बजे तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 30th को हम लोग 12 बजे भर देंगे, तो ऐसा सही नहीं है. आपको 5 बजे के बाद अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है. तो लास्ट डेट आप लोगों को पता चली गई है 30th June 2023. और अभी एग्ज़ाम डेट जो है वो शेड्यूल्ड जिस तरीके से आएगा उस पर बेस्ड है ये सारी चीज़ें. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इस नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं. ये नोटिफिकेशन अभी पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं. तो ये है वो नोटिफिकेशन जो अभी आया है और जिसमें इंडियन एयरफोर्स इनवाइट कर रही है मेन एंड वुमेन बोथ, ठीक है, फॉर टू जॉइन इंडियन सिटीजन्स एज दी FCAT और यू कैन से एयरफोर्स एज अ कमीशन ऑफिसर इन द फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ में. इस बात को ध्यान रखेंगे. आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग टेक्निकल एंट्रीज हैं और उसके नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो दी गई हैं. आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बस बोल के बता देता हूँ. तो इसमें अगर देखा जाए तो फ्लाइंग ब्रांच में मेन की 5 और वुमेन्स की 6 वैकेंसीज आई हैं. ग्राउंड ड्यूटीज में आपके पास ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको 45 एडमिनिस्ट्रेशन में, LGS में 17, अकाउंट्स में 18, ADNs में और MET में 7 आपकी वैकेंसीज आई हैं, इनको ध्यान रखना है. ऐसे ही आपकी वुमेन्स में भी एंट्री, यहाँ पे वुमेन्स की भी वैकेंसीज दी गई हैं. अब इस फॉर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक और चीज़ पता चलेगी, वो क्या है, वो ये है कि ये जो फॉर्म है कब से शुरू होगा, क्या क्या इसका टाइप है, इसको भी समझ लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, एज क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं. तो एज क्राइटेरिया क्या है उसको देखिए ज़रा. आई थिंक आप लोगों को ये दिख रहा होगा फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज क्राइटेरिया है दैट इज 20 to 24. तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है साइंस साइड से, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो, और आपकी जो एज है वो 20 से 24 ईयर्स के बीच में है और आपका जो जन्म है 2 जुलाई 2000 to 1 जुलाई 2004, तब आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं. अब इसके नोटिफिकेशन की जो आपके टेक्निकल ग्राउंड्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स हैं और क्या क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए. यहां पर अलाउंसेस दिए गए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस. ठीक है, देखिए ध्यान से. तो यहाँ पे फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से दिया गया है वो बताया जा रहा है. एज पर फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी है वो नोटिफिकेशन जो कि वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी उस पर, उसके बेस पर होगा. तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है. उसमें आपको ये देखना होगा कि जो आपका FCAT का पेपर है उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, और जो ग्रेजुएशन है वो आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए. साइंस स्ट्रीम्स का मतलब होता है या तो आपने बीटेक किया हो, या तो आपने बीएससी किया हो, या फिर आपने कोई भी अदर साइंस ऑनर्स का, साइंस ग्रेजुएट का आपने कोई ना कोई कंप्लीट कोर्स कंप्लीट अप्लाई किया हो जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी. ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से वो भी भर सकते हैं, बट उनके लिए कुछ स्पेशल पोस्ट ही होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, आ रहा है समझ में चीज़. ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और इसके साथ साथ जो एज क्वालिफिकेशन है वो ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए 20 से 26 होती हैं और
आपकी एफ कैट फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो होती हैं वो 20 से 24 होती हैं। बाकी जितनी भी आपकी डिटेल न्यूज़ होगी वो जैसे जैसे हम लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हमको मेंटेन करने हैं, जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।